वहीं स्पर्श मुक्त स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ग्रामीण सेवा समिति महका कला द्वारा स्थित विलेज स्टोर्स में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य शिविर में अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी गई। शिविर का लाभ बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उठाया और अस्पताल प्रबंधन का आभार जताया। स्वर्गीय शकुंतला वर्मा की स्मृति में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता एवं विशाल भंडारे का आयोजन ग्राम माका कला में किया गया। प्रथम दिवस आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन माका कला स्थित द विलेज रिसोर्ट में किया गया। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ग्रामीण सेवा समिति की ओर से आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पदस्थ विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। डॉक्टरों एवं महिला डॉक्टरों की टीम ने शिविर में आए प्रत्येक मरीजों की जांच कर उपचार किया। वहीं शिशु रोग विशेषज्ञ ने बच्चों का उपचार किया। शिविर में जांच और उपचार कराने 200 से अधिक की संख्या में ग्रामीण पहुंचे। यहां उपचार के साथ साथ दवाइयां भी निःशुल्क प्रदान की गयी। स्पर्श हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं द विलेज रिसोर्ट के संचालक विमल वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये जो शिविर है ये श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला वर्मा जी की स्मृति में आयोजित किया गया है। स्पर्श अस्पताल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिलाई और ग्राम विकास समिति महका कला के द्वारा इस शिविर यह शिविर 5 तारीख को और 6 तारीख को 2 दिन के लिए है। यहाँ पर कार्यक्रम 5 तारीख को जो आज सुबह से स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें स्पर्श अस्पताल के बहुत सारे स्पेशलिस्ट लोगों ने अपनी सेवाएं दी और आज काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है इसमें और काफ़ी लोग गांव के आ रहे हैं। यहां पर हम लोग अपनी सेवाओं के साथ साथ दवा वितरण भी कर रहे हैं, तो ये ग्रामीणों के लिए काफ़ी सुविधाजनक हो रहा है। हमारे साथ मैं डॉक्टर सावंत हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। मेरे साथ डॉक्टर मोनिदीप असाह हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अर्पण जैन हैं जो गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर सरल हैं जो मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं। तो हम चारों लोग हैं और हमारे साथ देवेश देवदावड़ा जी हैं जो यहाँ पर पूरा कार्यक्रम संयोजक हैं। हम लोग यहाँ पर शिविर कर रहे हैं और शिविर में का रिस्पांस इतना अच्छा है कि करीब करीब आज से अभी तक हम लोग करीब करीब 100 मरीजों को की जांच कर चुके हैं और ऐसा भीड़ देख के लग रहा है कि करीब करीब 100-125 लोग और यहाँ पर आएंगे। इस ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ पर कबड्डी प्रतियोगिता भी है जो आज शाम को यहाँ पर आयोजित की जाएगी और कल यहाँ पर भंडारा का कार्यक्रम है जो गांव में आयोजित किया जाएगा। ये सच है कि जागरूकता की कमी है महिलाओं में और ज़्यादातर देखा गया कि इन्हें कैल्शियम विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा है। इनमें अधिकतर सब कमर दर्द, घुटनों में दर्द, जॉइंट्स में पेन, ये सब तो बिल्कुल है ही है। ये पूरा परिवार का ध्यान तो रखती हैं लेकिन अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती हैं। तो हर किसी को समझाया जा रहा है कि आप अपना ध्यान दें, खुद कैल्शियम युक्त भोजन का सेवन करें, परिवार के साथ खुद का भी ध्यान रखें और खुद का भी वजन संभालें, क्योंकि आजकल देखा अभी तो देख रहे हैं हम लोग कि ग्रामीण महिलाओं में भी वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो काम तो करती हैं लेकिन अपना ध्यान नहीं दे पाती हैं, तो उनको समझा रहे हैं हम लोग कि आप अपना भी ध्यान दें, अपना भी स्वास्थ्य का, भोजन का, पोषण का ध्यान दें। ग्रामीणों के हित के लिए, ग्रामीणों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्पर्श हॉस्पिटल और ग्रामीण सेवा समिति ने यहाँ हमारे रिजॉर्ट द विलेज रिजॉर्ट महका कला में इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। इस स्वास्थ्य शिविर का एक ही मूल मकसद है कि ग्रामीणों की सेवा हो सके, उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दे सके और उन्हें निःशुल्क जितना ज़्यादा सेवा, दवाई, मेडिसिन हम दे सकें, ये हमारा प्रथम उद्देश्य है। उसके पश्चात हमने यहाँ पे शाम को गांव के अंदर राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन रखा है जिसमें राज्य के 32 टीमें लगभग भाग ले रही हैं। कार्यक्रम का आयोजन पूरी रात चलेगा, कल सुबह इसका फाइनल होगा। तो कल दिन में 12 बजे से लगभग 1500 लोगों के लिए भंडारा का आयोजन किया गया है और शाम को फिर कबड्डी के विजेताओं का पुरस्कार वितरण होगा एवं रात्रिकालीन अक्षरा करके सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया जो ग्रामीणों के मनोरंजन के लिए वो कार्यक्रम पूरी रात चलेगा। इस तरह के भविष्य में भी अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाने की कोई योजना है? एकदम, ये तो एक शुरुआत है। इसमें इस चरण में हम और स्पर्श आगे बढ़ के इस चीज़ों को हम कंटिन्यू करते रहेंगे और उम्मीद है कि बहुत जल्दी
साल में कम से कम 2 से 3 शिविर का आयोजन हम कल इसी क्रम में कल हमारा स्पर्श हॉस्पिटल एक और स्वास्थ्य शिविर का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जिसमें भी दवा वितरण का रहेगा, निःशुल्क दवा वितरण भी रहेगी। एक गायत्री पैलेस धमदा रोड पे जो गायत्री पैलेस है वहाँ पे संदीप अग्रवाल जी के साथ में मिलकर हम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रम स्पर्श हॉस्पिटल महीने में 8 से 10 कार्यक्रम इस तरीके के करता है, जहाँ पे हम रूरल एरियाज़ में तो वहाँ भी आसपास के सारे गांव के जो लोग हैं उनकी सहायता के लिए कैंप किया गया। ऐसे ही हम लोग राजनांदगांव ज़िले में और अलग अलग बालोद ज़िले में, दल्ली राजरा में, तो कई ज़िलों में, और जैसे कि आपको हमने बताया कि इसमें हमने जाँच के लिए 25% का छूट, जो भी मरीज अगर उनको कुछ आगे का भविष्य में भर्ती होना पड़ता है या कुछ इलाज कराना है तो उनका पूरा इलाज आयुष्मान के द्वारा हम अस्पताल में प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम हम लगातार करते रहते हैं और आगे भी करते हैं। गौरतलब है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा समय समय पर विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें आए लोगों की जाँच और उपचार विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा किया जाता है। रामनगर स्थित स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सभी जांच पर 25% की छूट देने के साथ ही आयुष्मान भारत के अंतर्गत इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन अभिषेक के साथ संजय दुबे।